नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। साथियों, आज हम किसान भाइयों के पास आए हुए हैं और हमारे पास आप देख पा रहे हैं पूरा किसानों का समूह है हमारे पास है, तो हम इनसे बात करेंगे। इनके लगभग नरमे की खेती है, इस बार जो नरमे का जो कहीं ना कहीं जो बिजाई है वो ज़्यादा है, तो ऐसे में हम किसान भाइयों से बात करेंगे कि इन्होंने यहाँ पर कौन सी जो फसल की वेरायटी है वो बीज रखी है और साथ ही साथ अभी तक का जो सफर रहा है खेती का वो कहाँ तक पहुँचा है। तो राम राम। तो सारा हूँ, पहला तो थे थारो एड्रेस दे दो और जो को खेत अपन देख ला रहे चक में शो गांव है वो थारो नाम की है। काड़ू राम है जी, नाम 8SPD। आठ एस पी डी किसे गांव में पड़े हो? सरदार प्राखरता में पड़ जाए। सरदार प्राखरता और बेरूसरी के बीच में है ये? बेरूसरी के बीच में ही है नजदीक। थारो के नाम है भाई? थे कृष्ण। कृष्ण की तो अठे जी यहाँ खेती देख ला रहे हैं, तो ज़्यादातर नरमे की फसल देख ला रहे हैं। तो नरमो बीज तो मैंने कितना साल हो गया? नरमो बीज तो घना ही साल हो गया, लगभग 30-40 साल हो ही गया। 30-40 साल हो गया कि? तो नरमे जी की वैरायटी जब पहला तो देसी नरमो बीज था, तो देसी में इन बिट्टी कॉटन में था ना जी, क्या फर्क लगे जी? मैं थे तो पहला देसी नरमा होता, अब बिट्टी कॉटन में तो क्या फर्क लगे? बहुत नहीं है नी, पहले भाव हुआ 3,000 को, अब 10,000 को, 12,000 को। नरमो जो 12 क्विंटल हो गया, 10 हजार, 8 हजार, 5 हजार नहीं, 2 रोक्षो और 100 रोक्षो जमींदार के लिए, देसी 100 रोक और 100 रो है। ओ जाएगा पटाई में सुगाई में 100 रो है, बहुत दो रो होती बात है। बिंग जार ज्यादा हों तो गिंगो वो पहले ठाक हो ना जार छो जार बाप बोलने लग गया, भाव आया दद होने लग गया, अब जमींदार गौर करने लग गया, अब सलीम गौर करने लग गया भाव की। अच्छा, थारो के नाम है? रणवीर नाम है जी मेरो। थे 8 SPD में? तो थे यहाँ बताओ के नरमो थारे ने किसी किसी वैरायटी बीज रखी होते? मेरे साथ लगभग वैरायटी सगली मानो थे। मेन किसी वैरायटी है? मेन मेरे कहना है बायर की केतर बेहतर 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 है। तो इन में जिया था बायर वाले में क्या खासियत लगी थे, कितना सालों बीजो बायर की? हो बायर को बीज था लगभग हो गया 4-5 साल हो गया जी। जेल ठीक है? मेरे खेत में इंगो के नंबर जेल टॉप निकले इन बायर को, सेकंड टॉप एक नंबर रिजल्ट। तो एक अपन देखा है कि जिया ई मिट्टी को और एक जिया रेतीली मिट्टी हुए, या फिर मिट्टी के हिसाब में भी बीज को सिस्टम करना पड़े जमींदार ने? मिट्टी के हिसाब में करना पड़े। हाँ, मिट्टी इन लिए वो बढ़िया है। हाँ, ई मिट्टी लिए एकदम सही एक्यूरेट बीज है वो। तो लारे देखना है देखो, नरमे की जो की हाइट है काफी हाइट है, ओक्सो बीज है वो है जी, कत्था बीज है, कत्था कत्था की कत्था। तो बीजे इन कितना दिन हो गया? बिगेगी लगभग चार पांच ट्राली की। तो खाद जिया थे गर्गी है या जिया मोल ले रहा नहीं की खाद हो जी गर्गी की गौशाला में किन्दू मिन्दू ले लिया मोल ले लिया। और थे जिया खेती कर ला रहे हो था लगभग 30-40 साल हो गया, तो अब जो को नरमे की फसल है इनमें जिया कोई उत्पादन में थाने कमी ज्यादा लगी कि जिया पहला नु आज 5 साल पहला उत्पादन है, अब कोई फर्क लगे? उत्पादन अब ज्यादा हुआ है पहला नो इनो के कारण है? इनको कारण अब वैरायटी तो बढ़िया आ गई नहीं, बीज को फर्क है, बीज को फर्क है, पहला देसी कम ही हूं तो अब जिया बिट्टी आ गई तो बिट्टी को झाड़ बढ़िया हुआ है। तो कितना पानी है लगभग थे फसल तैयार कर दियो आज नरमे की? लगभग 5-6 पानी तो लागी जे। अरबी देसी नरमे में कितना पानी लगा देता भाई? थे देसी में लगा देता 3-4 बस। अरे सप्रे बिम में लटा लटा के बोली पड़ती बिंगो के डोरो करता थे सारी के नाम है रोगर रोगर टाटा ही करता है भाई, करता एक ही का कोई नीम नाम ही घोलता, कोई नीम घोलता ना कोई और पाइयो खांड घोलता मां। तो ओ थे हाथ में के ले रहा खेईगो खटे यूज करो थे अपना ही कहना मैं इमी कर निर्भर में करा आ कहना मैं यूरिया खाद डीएपी इंगीज के जैविक है। तो आ सोयल केयर नाम ले रखी है बिल्कुल जैविक है, कोई पेस्टिसाइड जहरी में फर्टिलाइजर कोनी और 1% ही कोनी। तो इन थे कितनी गेरो बीघे मेरे कद गेरनी पड़े जिया किसी जमीन में गेरे या किसो नरमो है जद जिया कमजोर जद खटी कर दियो नरमा में किसो नरमो है अपन नरमा कोर लगावा तो एक छिंटो मार दियो ठीक है, एक दो किलो खाद ले यूरिया ले लियो या मिट्टी ले लियो सके छिंटो मार दियो कितनी गेरनी पड़े लगे बीघे की? और जी इन 2 किलो पैकेट है 2 बीघा पड़ जिए मानो 2 बीघा में लगभग पड़ जिए।
यूं के हुए जी फसल में के ग्रोथ ज्यादा हुआ है या फाल ज्यादा लगे के हुआ ओ काम आपका सगला ही करे ग्रोथ ही ज्यादा हुआ है इंदर में जड़ी उंडी जावे अच्छा जड़ के नीचे जड़ नीचे जावे ज्यादा नर में साठ सूट वाली दिक्कत को नहीं आवेगी ना इन कोई दिक्कत को नहीं साठ साठ सूट की समस्या आवे गया सलम जी इन्हें मारका नहीं कई खेता हम जी साठ की समस्या आज है आज यही खेता में आवे तो है मैं बताऊँ जी बस समस्या घटा जका किसान है इन के नाम यूरिया का प्रयोग ज्यादा करे खेत अभी मैं साठ आना बहुत ही लगभग तय तय यूरिया ज्यादा नहीं कहनी चाहिए तो के ज्यादा जी गोबरी खाद को इस्तेमाल करना चाहिए किसान ने गोबर खाद होगी सुपर होगी पोटास है वैसे एक करो यूज जमीन ने पोली रखेगी जमीन ने पोली रखे तो मेन हो भाई जड़ को चल है इन बजू ही साठ मारे भाई नीचे जड़ को चल है नीचे जगह भूमिगा तब तो मिले कौन फसल है यही है तो अठेले पे कितनी खेती है जी नरमा इधर आस पास सारा किसान भाई खड़े और कित लगभग ही नरम है कितना भी हम लगभग खड़ा कितना मरबा में ए मरबा ध्यान को 2500 बीघा पड़ जाए लगभग खड़ा 2500 बीघा की 2500 बीघा 2500 बीघा है 8 एसपीडी खाला पर तो जो को सेम वाला क्षेत्र है वो परली साइड रे हटू कितना दूर रहेगो हो रहेगो जी 5 किलोमीटर रहेगो 5 किलोमीटर रहेगो 75 बीघा है 2500 नहीं सॉरी 675 675 बीघा है कितनी है 675 बीघा अच्छा और थे जी पानी अड़के व्यवस्था है पानी क्यों लगाओ थे नहर नहर कोई है या कोई बोर वगैरह की व्यवस्था है बोर की व्यवस्था है नहीं सोलर है लगाई दी है सोलर लगाई दी तो सोलर जो नीचे जमीन को पानी बोक्षो गया क्यों सारे सेम लगे अभी वजह कोई पानी में दिक्कत है की ना कौन दिक्कत है साफ पानी है की पानी एकदम साफ है और नहर को पानी भी आवा प्रॉपर के आवा नहर को जी तो अठे थारा कितना कुआ है दो कुआ है अपने एक वो है जी अच्छा। मैं जी निर्गो पानी या बरसात को पानी इम जी स्टोक कर लिया एक कुआ पर किया 7 इंच लगे पाइप लगाई दिया ठीक है इम कर लिया स्टोक कर लिया इन एक कुआ और लगाई है बरसात को पानी काट लिया यानी एक कुआ में निर्गो या बरसात को पानी गाल लियो और दूसरा कुआ में काट लियो वापस सोलर चला के बिना खर्चे ही तो सारो सारो पानी जी गालो भी तो वापस आ जाएगी कोई दिक्कत को नहीं कौन दिक्कत तो बी के फायदो रहे तो नरमे फसल है काफी शानदार है कई वैरायटियां यूज मिले छिंतर भी तेतर भी और आगे जी की टाटा की भी वैरायटी केतर बेहतर 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 है तो सारी किस्म यूज करे और सारा यूज का किसान भाई है जागरूक किसान भाई है और उत्पादन है वो लगातार एक ला रहे भाई यहाँ साल में बड्डा ही है हमारे तो कम को नहीं हुए तो वीडियो ज्यादा से लाइक कर दियो और शेयर कर दियो अपने किसान साथियों में ताकि अन्य जगह किसान भाई ने भी थोड़ी मदद मिल सके अपना जगह वीडियो देख देखे कुछ बे भी सीख सके तो राम 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 जय हिंद।